पाटील आणि शैलेश पाटील या राम लक्ष्मण जोडीचा असं मी म्हणेन. ज्या पद्धतीनं ही स्पर्धा, या स्पर्धेत अप्रतिम असं आयोजन. यावर्षी दोन शाळा आणखीन वाढवल्यात. मॅच सुरू होत आहे तो बिलकुल सागर मोरे आमच्या बरोबर या बेला स्टुडिओमध्ये जॉईन होत आहेत. यापूर्वी भरत मोरे यांचा आवाज आपण ऐकलेला आहे आणि अत्यंत महत्वाचा सामना. मॅच क्रमांक 5 क्रिश इलेव्हन बेरा रोड आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकता सुनील बागवे घाटकोपर पॅकेज. तो घाटकोपर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है. सिक्का उछला, घाटकोपर के पक्ष में गिरा. इन्होंने कहा कि भाई ये बॉलिंग करेगा और अपोनेंट टीम को बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया है. शानदार खेल रहा है जय भवानी रॉयल चेंबूर टीम का. रोचक और दिलचस्प मुकाबला. समय ज्यादा जा रहा है, बहुत ज्यादा समय जाता हुआ मुकाबला शुरू करना है. दोनों तरफ से अतिरिक्त खिलाड़ी ट्वेल्थ मैन हमारे कॉम्बॉक्स में आना बहुत जरूरी है. अतिरिक्त खिलाड़ी दोनों का कॉम्बॉक्स में कंपल्सरी, ये बताने की जरूरत नहीं है. जैनम शाह एक और एक मशहूर खिलाड़ी मैदान के अंदर है. जैनम शाह और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी करने के लिए राव नितेश राव गेंदबाजी कर रहे कम बॉक्स से. पहली गेंद काफी ऑफ टर्न के बाद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही और क्या बल्ला लगा, बिल्कुल बल्ला लगा है और उसके बाद में गेंद थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ चली गई थी. पहले ओवर की कहानी बीच मैदान पर शुरू होती हुई जैनम शाह जिनका खाता खुलता बा और बल्लेबाज सुनील के पास भी काबिले थे. कॉम्बॉक्स में सागर मोरे का स्वागत. सागर जी आपका स्वागत है कॉम्बॉक्स में. थैंक यू सर. बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रहे बल्ले आवाज बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे थे और ट्रिपल एस द्वारा देखिए ट्रिपल एस द्वारा अगर देखे तो बहुत ही शानदार तरीके से लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे. राव गेंदबाजी करते हुए जैनम शाह एक सुनील सिंह ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है. इंपोर्टेंट मुकाबला, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है. थर्ड मैन स्टक कवर वाइडिश लॉन्ग ऑफ एक सीधी गया और बढ़िया बहुत अच्छी गेंद सीधी गेंद थी बहुत अच्छी गेंद थी. जो लॉन्ग ऑफ का और एक खिलाड़ी बिल्कुल सीधा रखा गया है. बहुत अच्छी गेंद यॉर्की की गेंदबाजी जेरी ने की थी और परेशान किया था बल्लेबाजों को. इस ओवर में राव बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे पहले स्टंप के अंदर और अब थोड़ा सा आउट ऑफ द स्टंप. उनसे पर अच्छा स्ट्रोक जड़ में डालने का प्रयास किया गया. गेंद बाउंड्री की तरफ आ रही खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है. लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने एक को देखिए एक बार भी देखे तो डबल में कन्वर्ट किया गया. स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदों का खेल हुआ है. पहले ओवर की कहानी बीच मैदान पर चल रहे राव गेंदबाजी कर रहे हैं. सागर क्या कहना जिस तरह से पहले 4 गेंदों में 3 रन आए हैं. चांगली बॉलिंग केली रितेश रावणे आणि यासाठीच ओळखले जातात. पावसात पण एक चांगली बॉलिंग आणि एक वेगळी हेअरस्टाईल करून आलेत या टुर्नामेंटला आणि बट समोर पण टर्फ क्रिकेटची एक चांगली सारकास्ट आहे. और बढ़िया गेंदबाजी लेन बॉल अच्छा डाल रहे अच्छा टर्न कर रहे एक बार फिर ऑफ टर्न के बाद वो सीधा बॉल बहुत अच्छा डाल रहे और बल्ला लगा है. 5 गेंदों का खेल हुआ है. 5 गेंदों में 4 रन स्कोर बोर्ड पर है. तो इस ओवर में जो ओपन का अंडरआर्म क्रिकेट है और जिसमें आपने 5 गेंद में 4 रन दिया तो बिल्कुल आपकी जो जिम्मेदारी है प्रभु गेंदबाज के तौर पर तो बहुत बढ़िया तरीके से बखूबी निभाते हुए गेंदबाज रितेश राव 5 गेंदों का खेल हुआ. स्ट्राइक रन पर जैनम शाह इनके ऊपर निगाह रहेगी, इनके ऊपर कैमरा रहेगा. टिप्पा काफी ऑफ स्टंप के बाहर और अंपायर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे व्हाइट बॉल का इशारा. सागर ज्यादा तारीफ हुई रितेश राव की, उसको भी वैसा ही लग रहा है भाई तारीफ थोड़ा कमी कर दो, मेरा बॉलिंग भी अच्छा होना जरूरी है. काफी ऑफ टर्न के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब एक बार आंखों से दूर रखने की सोच अच्छी थी इनकी. इस बार ऑन साइड की तरफ गेंद को खेल दिया. खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन पर, दोनों लेने का मौका. विकेट के बीच अच्छी दौड़ और इस मुकाबले में बढ़िया गेंदबाजी रितेश राव द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन. और पहले ओवर की अगर कहानी देखिए तो रन संख्या 7 रन बगैर किसी नुकसान के. कुणाला सुटले हाव कोण खाऊन जाणार आहे भाव, या पहिल्या ओव्हर मध्ये भाऊन खाऊन गेलाय रितेश राव. रितेश रावनं अप्रतिम कामगिरी केली आणि फक्त 7 धावा दिलेत. काय बोललेत तुम्ही राव, तिथे मिळाले नाही धावा. क्या बात आहे, आणि धावांसाठी धावा धाव.
चांगली मॅच आहे आणि राऊनी पहिलीवर खूप सेफ टाकली. बट गणेशला माहिती आहे की दोन्ही बॅटर म्हणजे जैनम शाह आणि सुनील दोघांची देखील एक अग्रेसिव्ह बॅटर आहेत. दोघं खूप चांगलं क्रिकेट खेळलेत त्यामुळे कुठेतरी ही मॅच रंगणं गरजेचं आहे. थोडं फास्ट खेळा कारण की वेळेचं बंधन आहे, वेळेची मर्यादा आहे. थोडं लवकर आपण खेळलं पाहिजे. कॉमेंट्री बॉक्स आमच्या कॅमेरामन दाखवत आहेत भाई अंबी टीव्ही पे देख रे, थँक्यू सो मच. आणि खूप चांगल्या मॅचेस आज पाहायला मिळणार आहेत. ओव्हरऑल आज फायनल मध्ये कोण जाईल यावर सर्वांच्या नजर आहेत, संपूर्ण मुंबईच नजर आहेत. काही जणांना ऑफिसला सुट्टी नाहीये बट काही जण युट्यूबला बघतायत. एका साईडला ऑफिसचं काम चालू आहे बट युट्यूबवर मोबाईलवर ही मॅच चालू आहे. ते उद्या येतील, त्यांना पण निमंत्रण आहे. सर्वांनी या एक हात मदतीचा आपलं मदत पण करा. बॉलर पहिले ओव्हर के बाद स्कोर 7 रन बगैर किसी नुकसान के. जैनम शाह 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. सुनील सिंह ने 3 रन बिल्कुल बनाए, 4 गेंदों का सामना किया. 100 के नीचे इसका पास स्ट्राइक रेट है सुनील सिंह का, पर गेंदबाजी में परिवर्तन होता है. सागर निभाते इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गए, टिप्पा खाने के बाद घुमा मिंद्रा था. सागर निभाते और एक ऐसे खिलाड़ी है, कद काटी बड़ी नहीं है, कद बहुत छोटा है लेकिन कहानी हमेशा बड़ी रही है सागर निभाते की. एक सागर हमारे पास है, एक सागर मैदान के अंदर. स्कोर अगर देखे तो रन संख्या 9 रन बगैर किसी नुकसान के. नाही, सागर खूप वर्ष चांगलं क्रिकेट खेळलेत अगदी कमी वयामध्ये. यावर्षी मालवणला पण बेस्ट बॉलर घेतलं, चांगले बॉलर आहेत. आणि वडाळाचे खेळाडू आहेत सहकारनगरचे, अगदी कमी वयामध्ये मोठ्या संघामध्ये खेळले, म्हणजे असलफा असेल, ओमकार, अशा जॉर्ज, अनेक व्यावसायिक गटामध्ये कमी वयामध्ये खेळले. बहुत अच्छी गेंद अँगल के साथ अंदर की तरफ आई. जैसे कि देखिए भारतीय टीम के लिए रविंद्र जडेजा एक आम बॉल डालते हैं, उसी तरह से क्रीज के कोने का इस्तेमाल. गेंद देखिए टिप्पा खाने के बाद ये बाहर की तरफ निकली है लेकिन एंगल बहुत अच्छा था, टर्न बहुत अच्छा. ऑफ टर्न के बाद थोड़ा सा आसपास गेंद को रखा और वहां से गेंद बाहर की तरफ निकली. क्योंकि लगता है जब ये जो एंगल आप बनाते तो लगता है कि गेंद अंदर की तरफ आएगी लेकिन वो बाहर की तरफ निकलती ना तो बहुत डेंजर साबित हो जाते हैं गेंदबाज. सागर निभाते प्रोफेशनल गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं. जैनम शाह भी कुछ कम नहीं है लेकिन फिलहाल अभी तक सागर निभाते ने समा बांधा है. 2 गेंदों में 3 रन, बहुत अच्छी गेंदबाजी. जैनम शाह इस पक्ष स्ट्राइकर रेन पर बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंदबाजी. टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है और बाइक का इशारा. गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छा संपर्क होना बहुत जरूरी है और जब तक गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगती तब तक सागर आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा. जैनम शाह 3, सुनील सिंह 6. दूसरा ओवर प्रगति पर है, सागर निभाते गेंदबाजी कर रहे हैं. स्कोर फिलहाल अगर देखे तो रन संख्या 11 रन. स्कोर 11. अच्छा स्ट्रोक ऑन सेट पर गेंद को खेल दिया, दारी के अंदर फील्डिंग बहुत बढ़िया. यहां खतरा हो सकता है, 2 की हो रही थी मांग, तालमेल के कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम. सागर इंपॉर्टेंट विकेट रनआउट के तौर पर. सुनील ने मागे बघितलंच नाही त्यामुळे रन्स कुठेतरी कमी होते, त्यामुळे सुनीलला वाटलं की आपण रनिंग बिटवीन द विकेट कम्प्लीट करू. बट सुनीलने मागे बघितलं, एक चांगला थ्रो तिकडे गेला. गणेश पाटील क्विक आहेत, माऊलगावचा खेळाडू तिकडे आला गणेश आणि चांगला थ्रो दिला, बॅटर आउट. अच्छी गेंदबाजी सागर निभाते द्वारा. स्कोर 11 पर 1 या ट्रिपल एस है, क्या बात है, और ब्रांड बना हुआ है. खास करके इस वक्त मैं देख रहा हूं पराग जी पाटिल साहब, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है. एक टूर्नामेंट जिसमें एक बिल्कुल टारगेट है, मतलब एक बार फिर जो मदद करने की चाह है. इंपॉर्टेंस इज दूसरे ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है. सागर निभाते 4 गेंद में 4. प्रोफेशनल गेंदबाज क्यों है वो बताते हुए मैदान के अंदर सागर निभाते. यस, ट्रिपल एस अपग्रेड बहुत हुआ. शुरुआती में आया तो एक अच्छा अलग सा लोगो था, सर्कल में श्री साई स्पोर्ट्स मराठी में लिखते थे. अभी ट्रिपल एस, उसके ऊपर किंग का लोगो आया, मतलब सब जन ऑल ओवर जो हमारे डिजाइनर है उन्होंने अपडेट किया और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेट रहना बहुत जरूरी. बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत शानदार गेंदबाजी सागर निभाते द्वारा. एक्शन रिप्ले में देखना चाहूंगा, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन. क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर रहे, एक बार फिर देखिए, ओ गेंद टिप्पा खाने के बाद घुमा मिला अंदर आई और बल्लेबाज ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे. गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी, गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी, उसका फायदा सागर निभाते को मिला और बहुत बड़ा झटका. जैनम शाह बैक टू द पवेलियन इस मुकाबले में, खास करके क्रीज 11 मेरा रोड के उम्मीदों के रखता दूसरा झटका. खूब चांगली लाइन लिंक पाहायला मिळाली बट रन्स बनवण्याच्या नादामध्ये कुठेतरी टीम क्रीज 11 पण बॅकफूटला राहिली. की जैनमला पण माहिती की स्कोर आपला कमी झालाय बट त्याचे कुठेतरी नियंत्रण चुकलं आणि सागर निवातेला एक हार्ड मोठा स्ट्रोक खेळण्याच्या नादामध्ये बॅटर दोघांना मात्र मैदानाच्या बाहेर जावं लागलं. सागर सबसे बड़ी बात है, लेग ब्रेकर गेंदबाज है सागर निवाते और जब लेफ्ट हैंडर आते हैं तो बहुत आसान बन जाता है.
लेकिन उसके बावजूद ये जो टर्न था और वो गैप था, बिल्कुल आप देखिए बल्ला और उनका जो पैर था उसमें जो गैप था, वो गैप को चीरती भी गेंद स्टंप के अंदर चले गए। तारीफ करूंगा ये सागर जो है ना, चतुर और चालाक है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों में 4 रन और 1 इंपॉर्टेंट विकेट, जैनम शाह का विकेट इन्होंने प्राप्त किया। न्यू बैटर मिस्टर गणपत, टिप ऑफ स्टंप के बाहर, आंखों से दूर रखा, गेंद बल्ले के ऊपर, जितने से नहीं चली है, खिलाड़ी फिसल गए हैं और कम से कम 2 या 3 अंपायर का क्या इशारा, जब तक अंपायर इशारा नहीं करते तब तक आपको भागना है। और दूसरा ओवर आप देख रहे, बहुत बढ़िया गेंदबाज, सदी भी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सागर निभाते, 2 ओवर 14 रन, 2 विकेट आपने खो दिए हैं। सागर निभाते का जो बॉलिंग एनालिसिस देखिए, 1 ओवर 6 रन और 1 शिकार, जैनम शाह को आउट किया, बहुत डेंजरस बल्लेबाज, जैसे कि आप बात बता रहे थे एक बार फिर भी आक्रामक बल्लेबाज है, लेकिन आज उनको खामोश रखा गया। दोनों गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, एक अच्छा डिसीजन लिया घाटकोपर बैकर ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का, और वो जो सब टीम ने एफर्ट दिया, बॉलर लोग ने एक अच्छा बॉलिंग डाला, 2 ओवर सेफ डाला। गणेश ने जो डिसीजन लिया कि अपन फील्डिंग करेंगे और एक अच्छा फील्डिंग करते हुए एक अच्छा स्कोर रुकाया है, 14 पे 2 विकेट्स, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। 2 ओवर के बाद 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर गणपत चौहान को मौका मिला फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 4 पर मिडल ऑर्डर में यश यादव, क्या वो पारी को संवारेंगे वो देखने वाली बात है। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, वक्त के बारे में बार बार चर्चा हो रही है, गेंदबाजी में अब परिवर्तन हो रहा है। मंथन आए हैं और सामना करेंगे यश यादव। तीसरा ओवर प्रगति पर है, कॉम्बॉक्सन से गेंदबाजी हो रही है, राउंड विकेट, ओहो क्या बात है, ऑन द टोस, आपको गेंदबाजी करना आना चाहिए। जेरू को पहले देखा था बल्लेबाजों को परेशान करते, इनको भी देखिए मंथन, आज पूरा समुद्र मंथन करके आए हैं, जवाब नहीं है बल्लेबाज के पास, जवाब नहीं है, लाजवाब गेंदबाजी, परफेक्ट बॉलर, मराठी संगत आलं तर अगदी बुंद्यात चेंडू टाकला, अगदी बुंद्यातला चेंडू होता, कुठलं उत्तर नव्हता, इतका चांगला आपलं बघितलं टू क्रशिंग यॉर्कर या वेळेला बघायला मिळाला, एक्सलंट बॉलिंग। इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेल दिया, अभी भी वो बड़े बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं आ रही है और लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद को ढूंढ रहे हैं, बल्लेबाज ने 3 रन ढूंढ लिए हैं, ढूंढो ढूंढो रे साजना, काम का आलस और पैसों का लालच हमें एक बार फिर महान बनने नहीं देता है। देखिए यहां से थोड़ा मोमेंटम बनेगा ना तो बल्लेबाज, पिछले मैच की कहानी देखिए, 3 ओवर के बाद कहानी बदली थी, थोड़ा सा मोमेंटम यहां मेरा रन को मिलेगा तो वो भी कमबैक कर सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट में सैटरडे में शेयर लिया और संडे को बेचने का है तो मार्केट थोड़ा डाउन रहा तो पैसा बदल जाता है, पैसा ही कुछ तो है। ऑन साइड पर अच्छा स्टोक, 2 रन मुकम्मल के, तीसरे के बारे में एक बार फिर सोच रहे हैं, नहीं इस बार मना किया गया। नरेश जी मोरे पण आपल्या सोबत जॉइंड होता है, एक समाजसेवक आणि एक चांगले क्रिकेट प्रेमी, म्हणजे त्यांचा लेग ब्रेक अजूनपर्यंत रीड करणं थोडं डिफिकल्ट आहे। नरेश जी मोरे खूप चांगला क्रिकेट खेळले आणि आता सध्या आरोग्य खाद्यामध्ये म्हणजे रुग्ण जे आहेत त्यांना देखील मदत करत असतात, म्हणजे ते डायबिटीस असू दे, अनेक ऑपरेशन असू दे, अनेक योग्य त्या दरामध्ये नक्कीच ते खूप चांगला कार्य करतात नरेश मोरे, आणि खूप वर्ष अंडरआर्म क्रिकेट पण चांगलं खेळले मुलुंड दिवा या परिसरात। नरेश मोरे आपलं पण अगदी मनापासून हार्दिक स्वागत, थँक्यू सो मच आपण आलात। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर और बेयर रोड के उम्मीदों को तीसरा झटका लगा है। बल्लेबाज यश यादव एक्शन रिप्ले देखे, ट्रिपल एस द्वारा गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, गेंद के लाइन में नहीं बल्लेबाज, बल्ला स्कोरली की तरफ चला गया, बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर वैसे क्या आज कहां छोड़ने वाले, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज का प्रदर्शन। समय आपको ज्यादा नहीं लेना, बल्लेबाज तैयार रहने चाहिए और वक्त आपको ज्यादा नहीं गंवाना है। मंथन बहुत अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदों में 5 रन 1 विकेट। इस मुकाबले में घाटकोपर पैकर जो है ना पूरे अभ्यास के साथ मैदान के अंदर उतरे हैं और बढ़िया गेंदबाजी यश यादव ने बनाया, 2 रन 3 गेंदों का सामना किया। गणपत चौहान अभी भी बटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्कोर है 20-3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर सागर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी मंथन द्वारा और कप्तानी बढ़िया रही है घाटकोपर पैकर्स टीम की। थर्ड ओवर प्रोग्रेस, स्कोर 20 3 विकेट्स। क्रिस इलेवन मेरा डोर, न्यू मैन इन मिस्टर जयेश, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं मंथन। लेग स्टंप के काफी बाहर, लेग ब्रेक करना चाहते थे, सीधी गेंद और वाइड बॉल का इशारा, ज्यादा टर्न नहीं था, काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद। 21 पर 3
तीसरा ओवर प्रगति पर। ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाह रहे थे, गेंद पैर के ऊपर टकराते भी इस टक्कर क्षेत्र में चली गई, तो कम से कम दो रन लेने का मौका मिलेगा। अंपायर अमरेंद्र बढ़ रहे और लेग बैक का इशारा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, पिछले दो मैचेस की जो कहानी है जिसमें जेरी ने प्रभावित किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए यॉर्क डाले थे, वाइड यॉर्कर बहुत अच्छे थे, ऑन द टोज अच्छी गेंदबाजी की गई थी, मंथन ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी है। आज निवाते साहब ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, पांच गेंदों में अगर देखे तो ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है, बढ़िया गेंदबाजी मंथन द्वारा। गणपत बिल्कुल इस वक्त भ्रष्ट हो खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, और एक गेंद जो यॉर्क लेन की थी खोद के निकाला गेंद, ओहो ये क्या हो रहा है, तीन रन मुकम्मल किए। गणपत को यहां से आने वाले जो 12 गेंदे हैं आपको बेहतर खेलना होगा। तीन ओवर की कहानी समाप्त, सागर स्कोर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 26/3 विकेट। अभी भी इस मुकाबले में घाटकोपर पैकर की जो टीम है पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन 12 गेंदों में अगर चार या पांच बड़े स्ट्रोक आते हैं तो कमबैक करने का मौका मिला रोड को मिल सकता है। ना क्रिश इलेवन टीम ने कुठेतरी सुरुवातीला सिक्स मारायला गेले, बट त्यामुळे रन्स कुठेतरी कमी गेले, विकेट पण आले, सागर निवडतेची एक सेफ ओव्हर वाली, बट उर्वरित दोन ओव्हर तुम्ही सर म्हटलात की स्कोर होऊ शकतो, एक 50-55 पण या ग्राउंडवर तुम्ही फाइट करू शकता। क्रिकेट कुठली मॅच कधी फिरेल, या वर्षी वर्ल्ड कप पण सर्वांनी बघितलाय, त्यामुळे मॅच कुठली फिरू शकते। टीम मीटिंग त्यासाठीच केली की दोन बॉलरला आता मात्र क्रिकेटच्या भाषेमध्ये घट्ट ओव्हर टाकावे लागतील। फक्त एकच नम्र विनंती असेल, जास्त वेळ घेऊ नका, कारण आता 4:19 झालेत मॅच आपण बघितलं तर हा जो सामना आहे तो अत्यंत महत्वाचा आणि अटीतटीचा सामना आहे। आपण पाहू शकता एकाच फ्रेम मध्ये कॉम्बॉक्स दाखवला जातोय, तर दुसऱ्या बाजूला इथे परिवारचं मैदान, ज्या मैदानावरती एक शानदार खेळ सुरू आहे, श्री चॅम्पियनशिप 2024 क्रिकेटचा महासंग्राम सुरू आहे, ती टीम मैदानावरती घाटकोपरची टीम ती तुम्हाला दाखवली जाते, बॅटर तुम्हाला दाखवले जातात, आणि ट्रिपल एसचं जे लाईव्ह प्रक्षेपण आहे थेट प्रक्षेपण देखील अतिशय उत्तम प्रकारचे, 6 कॅमेरे या ठिकाणी वापरले जात आहेत। एका बाजूला ट्रिपल एस ब्रँड बनलेला आहे आणि त्या दुसऱ्या बाजूला क्रिकेटच्या पलीकडे जाऊन आपण काम करू शकतो। पराग पाटील साहेब, शैलेजी पाटील साहेब, हे तुम्ही दाखवून दिलेलं आहे, फक्त ज्या स्पर्धा असतात त्याचे वेगवेगळे हेतू असतात, एक स्पर्धा अशी असते जिथे फक्त पैसे कमवायचे असतात, काही स्पर्धा अशा असतात त्या स्पर्धांचं नाव मोठं करायचं असतं, पण तुमचं तसं नाहीये, क्रिकेटच्या पलीकडे जाऊन जे गरीब गरजू विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांना आधार देण्याचं काम आपण या ठिकाणी या क्रिकेटच्या मंचाच्या माध्यमातून, या स्पर्धांच्या माध्यमातून करताय, त्यामुळे तुमचं तेवढंच कौतुक आहे। एक हात मदतीचा, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अकलेश, स्कोर 26/3, शॉट अच्छा लेकिन लॉन्ग ऑन पर गेंद के नीचे खिलाड़ी आउट, जयेश बैक टू द पैवेलियन, और मेरा लड़के उम्मीद तो कोई लगता है ये चौथा झटका, सागर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक चांगली कैच पकड़ी तिकड़े भावेश होते, भावेश शिलार, काही बॅटरने मनामध्ये तेच केलं की माइंड सेट होतं की सिक्स मारणं गरजेचं आहे, आणि त्याने जी पण चुकी नाही बट त्यांनी पण चान्स घेतला, बट पहिल्या बॉलवर घेणं चुकीचं होतं। लेकिन यहां एक बार फिर जोखिम तो उठाना है आपको, क्योंकि रन तो नहीं आ रहे हैं, हमला जरूर किया लेकिन बल्लेबाज शिकार बन के डगआउट की तरफ चले गए, ये तो आपको करना है। एक बार अगर आपको लग रहा है आपके रडार में गेंद है तो बड़े स्ट्रोक के लिए जाना है। अब देखिए ये प्लैट आई जहां भावेश शेलर खड़े हैं लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, वहां गेंद आई है और अच्छा कैच लपका, 26/4 विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं केशर और बल्लेबाजों के ऊपर है प्रेशर, दबाव की स्थिति में आपको अच्छा करना है। कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान जो है ना उसके टैलेंट से होती है, लेकिन वो टैलेंट कब देखा जाता है, दबाव में देखा जाता है। प्रेशर है, प्रेशर मैदान के अंदर आए हैं और इस बार टाइमिंग अभी भी अच्छा नहीं कर रहे, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में एक बार भी सोच रहे, मुझे नहीं लग रहा कि यहां से रन लेने वाले। गणपत, गणपत के ऊपर सबके लिए गाय है। चौथा ओवर प्रगति पर अखिलेश की बहुत अच्छी गेंदबाजी, जो बॉलिंग यूनिट है घाटकोपर का बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं मैदान के अंदर। और अब केसर, केसर एक, गणपत पांच, स्कोर 27/4, विकेट सेट पॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर द बैटिंग स्लाइड, एंड नाउ नीड पार्टनरशिप, साझेदारी चाहिए। फैंटास्टिक बॉलिंग बाय द ऑल द बॉलर्स, घाटकोपर पैकेज 27/4 मेरा रोड। या षटकातील दोन चेंडू, दोन धावांची पेनल्टी आहे, मला वाटतं मागे फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक आहे त्याने कॅप घातलेली नाहीये, सकाळच्या सत्रामध्ये त्याची अनाउन्समेंट झाली होती, तुम्हाला ती कॅप मागून घ्यायची आहे पंचांकडून,
ते कॅप तुमच्या डोक्यात असणं गरजेचं आहे. दोन धमांची पेनल्टी, दोन धमांची पेनल्टी तुम्हाला लागले. एक एक रन महत्वाचं आहे. मॅच तुम्हाला सुरू करायचं आहे. क्रिकेटमध्ये डिसिप्लिन आणण्यामध्ये पद्मनाथ प्रभू किंवा अजित निकम सारखी जी टीम आहे, पंचांची टीम, त्यांनी देखील चांगलं काम केलंय. अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये ज्या काही असोसिएशन आहेत ते चांगलं काम करतायत. इथे सुद्धा टॅलेंटेड खेळाडू आहेत, गुणवत्ता ठासून बनलेले खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात. तर मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा जाऊया. स्कोर 27 आहे. इस ओवर की दो गेंदे अभी तक हुई है और चार गेंदों का खेल आना बाकी. चौथा ओवर प्रगति पर. अभी भी गेंद और बल्ले के बीच वो पवित्र रिश्ता नहीं बन पा रहा है. वो गेंद और बल्ले के बीच एक बार फिर अच्छा संपर्क होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है. उसके कारण देखिए बल्लेबाजों के ऊपर दबाव. दो रन जो पेनल्टी के हैं वो मैच इनिंग समाप्त होने के बाद एड करने वाले हैं. अभी स्कोर 28 चार विकेट के नुकसान पर. अगर वो पेनल्टी के अगर रन पकड़े तो 30 है, लेकिन वो बाद में एक बार फिर वो जो आंकड़े वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे. अभी 28 स्कोर चार विकेट के नुकसान पर है. मेरा रोड लाजवाब गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर. टिप्पा खाने के बाद थोड़ी गेंद हरकत करते भी देखिए एक बार एक्शन रिप्ले. लेग स्टंप के बाहर चले गए थे, बल्ला भी स्कोर की तरफ चला गया. वाइड मांग रहे थे. बहुत अच्छी गेंद अखिलेश द्वारा. 28 चार विकेट के नुकसान पर. क्लीन बॉल. कत्तापा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसी तरह से भाई आपने इस गेंद को क्यों छोड़ा. देखिए एक्शन रिप्ले में सागर क्या हुआ. ऑफ स्टंप के बाहर आए थे और लेग स्टंप के ऊपर गेंद है. बल्लेबाज आउट कैसे होते हैं वो खुद देख रहे. देखिए ये पीछे मुड़कर ये देखिए ये देख रहे. गेंद अंदर दंडी बाहर. बल्लेबाज मैदान के बाहर डगआउट की तरफ जाएंगे. यहां पर मोए मोए. ए प्रभु ये क्या कर दिया. देखिए एक बार फिर क्या हुआ मैदान के अंदर. बिल्कुल आपने कहा मोए मोए. खराब शॉट, बहुत खराब शॉट. शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था. केसर बिल्कुल आपके ऊपर प्रेशर था. प्रेशर जो है वो आप झेल नहीं पाए. 28 for 5. पांच बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमाते हुए. आणि आपल्या समोर भवानी स्पोर्ट्स चे सर्वसर्वाय विनयजी पवार आपलं पण स्वागत आहे. डोंबिवली भवानी स्पोर्ट्स आज आवर्जून मित्र शैलेश पाटील यांच्या अगदी जवळचे मित्र, पराग पाटील यांचे देखील अगदी जवळचे मित्र आणि एकत्र खेळले पण शैलेश पाटील आणि मला असं वाटतं विनय पवार विक्रोळीच्या रहिवाशी आता डोंबिवलीला स्थलांतर झाले आणि भवानी स्पोर्ट्स आता त्यांचा पण एक चांगला स्पोर्ट्सची ब्रँड ऑल ओव्हर डोंबिवली आणि ऑल ओव्हर मुंबईत आपण पाहतोय. थँक्यू विनयजी पवार, आज आवर्जून इकडे आला त्याबद्दल आपलं पण स्वागत आहे. एक्सिलेंट बॉलिंग बाय अखिलेश. कमाल की गेंदबाजी. इस ओवर में देखिए केवल दो रन और इम्पोर्टेंट दो विकेट. आपने के दो शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार. अखिलेश ने कहा रन भरने के लिए हम भी है तैयार. इस मैच में कमाल की गेंदबाजी रही है. देखिए ये आखिरी गेंद. बल्ला घुमा, बल्ला जरूर घुमा लेकिन मैदान नहीं घुमा. इस मुकाबले में चार ओवर की कहानी समाप्त. 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर मेरा रोड संघर्ष कर रहे हैं. आखिरी पांच आखिरी बार छह गेंदों का खेल आना बाकी. पांचवा ओवर लेके गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए. सागर जो चार ओवर का खेल रहा है बहुत ही बेहतरीन शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन. सदी भी गेंदबाजी रही है. और पहला ओवर था राव का. राव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 7 रन 1 विकेट. उसके बाद में एक बार फिर सागर को मौका मिला, 6 रन दिए. बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, इन्होंने भी विकेट प्राप्त किया. मंथन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और अखिलेश का सबसे बेहतरीन ओवर था. एक ओवर 2 रन और 2 विकेट. सुनील साहिब चैंपियनशिप एक हाथ मददीचा. आफ्टर 4 ओवर स्कोर 35 for 5. अच्छा स्ट्रोक डीप स्टक क्षेत्र में बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ. खिलाड़ी तैनात है. 1 रन मुकम्मल किया और थ्रो इतना चले. 3 के बारे में बिल्कुल सोच सकते, 3 रन के बारे में सोच रहे और अंपायर का क्या इशारा वो देखना बहुत जरूरी है. बल्लेबाज आउट. जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत नहीं तो तमाशा है. मीरा रोड के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, डबल को एक बार फिर ट्रिपल में कन्वर्ट करना तो चाह रहे थे लेकिन उसके बाद इनका विकेट गिर गया. और ये थ्रो अच्छा नहीं था. उसके बाद में बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया गया. पांचवा ओवर प्रगति पर है. स्कोर अगर देखिए तो रन संख्या 32 रन 6 विकेट के नुकसान पर. 6 बल्लेबाज सागर फिलहाल आप देख रहे डगआउट में आराम फरमा रहे. मीरा रोड के साहिल पाटील ने जर या ओवर मध्ये रन्स आले तर मॅच बघू शकते, बट एक 45-50 पर्यंत पोहोचलं पाहिजे. 5 बॉल मध्ये 3-4-6 तरी आलं पाहिजे. साहिल पाटील क्षमता आहे कारण की एक गाव एक संघ ग्रामीण क्रिकेट पण त्या परिसरात खूप चांगलं खेळतात, ओरम क्रिकेट पण खूप चांगलं खेळतात आणि आज त्या परिसरातून इकडे खेळण्याकरिता आले आहेत. बट काहीतरी आलं तर काहीतरी सोडून गेलं पाहिजे. या बॉलवर पण फ्लिक केला गेलाय.
गॅप मध्ये बॉल ट्रॅव्हल होते, क्षेत्ररक्षक तिकडे पोहोचतात आणि दोन रन. पांचवा ओव्हर प्रगती पर है. रोहित शर्मा ने किसको टैकल किया? प्रमुख गेंदबाज को टैकल किया. सागर निभाते इस टीम के प्रमुख गेंदबाज है. अगर उनको आप अनसेटल नहीं करेंगे तो वो हावी होकर गेंदबाजी करने वाले, वो हिलने का मौका नहीं देने वाले. इतना वेरिएशन उनके पास है, वेरिएशन है, प्रोफेशनल खिलाड़ी है सागर निभाते. केदार और साहिल पाटिल जिनके ऊपर दारोमदार स्कोर 34-6 विकेट के नुकसान पर. ओवर की बात करें तो ये पांचवा ओवर प्रगति पर है. ये देखिए इनकी ताकत क्या है. एंगल क्रिएट करते, लेग ब्रेक करते, लगता है कि गेंद अंदर की तरफ आई गई लेकिन लेग ब्रेक हो रही है. ज्यादा टर्न नहीं है लेकिन बीट करने के लिए काफी है. बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन. ये देखिए टर्न किस तरह से हो रही गेंद. तो बल्लेबाज गेंद के लाइन में आके बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं. पांचवा ओवर है, स्कोर रुका हुआ 34-6 विकेट के नुकसान पर. आखिरी ओवर, निर्णायक ओवर का खेल. स्टंप के अंदर गेंद थोड़ा बैक पर चले गए, गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, दो रन देने का प्रयास. तीसरे के बारे में मन बना लिया, वही कहानी. हे भगवान, महंगी घड़ी सबको दे लेकिन मुश्किल वाली घड़ी किसी को ना दे. मेरा रोड के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. जब जब इन्होंने तीसरे देने की कोशिश की है बल्लेबाज बिल्कुल परेशान, बल्लेबाज परेशान हो रहे हैं, दबाव में आ रहे हैं, रनआउट के तौर पर विकेट गिर रहा है. ये देखिए क्या हुआ था, रन लेना चाह रहे थे और वैसे वो बल्लेबाज नॉस्टेकर, इनके बल्लेबाज को डगआउट की तरफ आना पड़ेगा और किसी और बल्लेबाज को मैदान के अंदर जाना पड़ेगा. पांचवा ओवर है, 36-6 विकेट के नुकसान पर है और एक विकेट गिर गया, तो इसका मतलब ये सातवां विकेट भी गिर गया इनका. मीरा रोड अभी तक सारे मुकाबले बहुत अच्छे हुए हैं जिन्होंने पहले बल्लेबाजी के रन बनाए. करण नए बैटर मैदान के अंदर, दो गेंदों का खेल इंपॉर्टेंट है इस मुकाबले में, इस पहली पारी में. सागर निभाते गेंदबाजी कर रहे हैं. अभी तक 11 गेंदों में 12 रन दिए, एक विकेट इन्होंने प्राप्त किया. प्रमुख गेंदबाज है, वन टू गो. आखिरी गेंद 36/7, बढ़िया, बहुत अच्छी गेंदबाजी सागर निभाते द्वारा. और क्या फर्क पड़ता है, कब काटी छोटी है लेकिन कहानी बहुत बड़ी है. सागर निभाते प्रोफेशनल गेंदबाज, दो ओवर और इन्होंने कितने रन दिए देखिए एक बार. दो ओवर का जो इनका खेल था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन और पांच ओवर का खेल, पांच ओवर का खेल समाप्त हुआ. टोटल की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर कितने रन बने एक बार फिर आपके स्क्रीन पर आएंगे. दो रन की पेनल्टी है, टोटल स्कोर पेनल्टी को पकड़ के पर टोटल स्कोर है 38 और जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है. मेरनोडो की टीम फिलहाल अगर देखिए ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है. सागर आपकी तरफ मैं जरूर आऊंगा. जो हमारे पास नहीं है वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है. ये सोच के मेरा रोड को गेंदबाजी करनी है. अगर मैच जीतना है तो आपको रेगुलर इंटरवल में विकेट लेने होंगे और अच्छी फील्डिंग के साथ नपितोनी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि छोटे टोटल भी बड़े बन जाते हैं, दिलचस्प बन जाते हैं. क्या उसी तरह की कहानी मैदान के अंदर होगी या सामने से घाट के ऊपर जो है बिल्कुल अभ्यास के साथ मैदान के अंदर उतरे हैं वो कम समय में ये मैच समाप्त करेंगे. नक्कीच आपण पाहू शकतो आपल्या बॅनर्स श्री साई चॅम्पियनशिप साठी एकात मदतीचा अंडरआर्म पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये विश्वास तुपे समाजसेवक यांनी पण आपल्याला जे सहकार्य केलं त्याबद्दल तुपे साहेब आपला पण आभार आहे. आज त्याने पण इकडे शुभेच्छा दिल्यात आणि पराग पाटील यांना विनंती करेल की आपण एक विशेष सन्मान करायचा. नरेशजी मोरे आज इकडे आवर्जून उपस्थित राहिले गेले आणि खूप चांगलं क्रिकेट प्रेमी आहेत. खूप वर्ष शैलेश पाटील पराग पाटील यांच्या समवेत आहेत आणि नेहमीच त्यांचं पण क्रिकेटला योगदान राहिलंय. खूप चांगलं क्रिकेट पण खेळलेत आणि रुग्णांना पण मदत करत असतात. त्यांचा व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्ही पण हाय करा आणि काही तुम्हाला कोणाला गरज लागली मेडिकल फील्डमध्ये तर नक्कीच नरेश मोरे यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करा. नरेश यांच्यासोबत देखील दोन शब्द आपण नक्कीच बोलूयात. नरेशजी दोन शब्द ऐकेल, श्रीसाई स्पोर्ट्स एक चांगलं कार्य करते आणि ओव्हरऑल तुम्ही पण खूप वर्ष श्रीसाई स्पोर्ट्सचं नातं बघितलंय, दोन शब्द जरूर ऐकेल. नक्कीच आज जी टुर्नामेंट आहे श्री साई चॅम्पियनशिप ट्रॉफी, खरंच शब्दी दादाला मनापासून त्यांचे आभार मानतो. एक हात मदतीचा माणसातला माणूस कसा मानतो शब्दी दादा आहे, तशी टुर्नामेंट त्यांनी घडवली आहे. नक्कीच या टुर्नामेंटला दरवर्षी गर्दी असते, पुढच्या वर्षी अजून डबल गर्दी होईल.
एवढं बोलून दादाला शुभेच्छा देतो. थँक्यू सो मच. आणि तुम्ही देखील आला त्याबद्दल तुमचं पण आभार आहे. धन्यवाद. श्री साई बाबा चॅम्पियनशिप 2024 मान्यवरांचा सन्मान आपण या ठिकाणी पाहतो आहे. बॅटर चला लवकर मैदानावरती. त्यानंतर विनयजी पवार, भवानी स्पोर्ट्सचे आमचे विनयजी पवार, ते पण आवर्जून इकडे उपस्थित राहिले गेले डोंबिवलीवरून. आणि शैलेश पाटील, पराग पाटील यांचे अगदी जवळचे मित्र पण आहेत. आज त्यांचा पण एक विशेष सन्मान केला जाईल. थँक्यू सो मच विनय दादा, आपण पण आलात आणि आज तुम्ही पण चांगलं कार्य करताय. दोन शब्द जरूर ऐकेल, कारण की बट शैलूदासाठी दोन शब्द ऐकेल, कारण की मला असं वाटतं विक्रोळीत राहायला असताना एकत्र खेळलेत. विनय दादा बोलत नाही, बट थँक्यू सो मच विनय दादा, आपण पण आलात. चला बॅटर मैदानावरती, जास्त वेळ घेऊ नका, सामना अत्यंत महत्वाचा आहे. 39 धावांचं आव्हान आहे. आणि आता मैदानावरती आपण पाहू शकता वातायत क्रिकेटचे वारे. सामना सुरू होईल त्यावेळेस आवाज ऐकूया. आमचे समालोचक मित्र आहेत सागर मोरे. थँक्यू सो मच प्रशांत सर. आज आपण देखील इकडे प्रशांत सरांचा आवाज ऐकतोय. चला बॅटिंग लाईन पाठवा लवकर. दुसऱ्या डावाला सुरू होते आणि टार्गेट आहे मॅच जिंकण्याकरिता 39. 39 रन करायच्या 30 बॉल मध्ये. जर पहिल्या दोन ओव्हर इकॉनॉमीने चांगल्या आल्या, विकेट आल्या, तर मॅच बनू शकते. पहिल्या दोन ओव्हर मध्ये 2-3 विकेट आले, 7-8 रन वरती थांबवलं तर मॅच बनू शकते. क्रिकेट कुठलीही मॅच फिरू शकते. नितीन दळवी पण मॅच जवळून बघतायत, त्यांना पण माहिती आहे की अशा मॅचेस त्यांनी पण जवळून फिरवल्यात, त्यामुळे ही मॅच पण फिरेल का. बट क्रिकेट आहे, अनिश्चितचा खेळ म्हणजे क्रिकेट. कधी कोण जिंकेल याचा नेम नाहीये. बॅटिंग साठी आपण पाहिलं तर दोन धडाकेबाज बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. राकेश पाऊल आणि त्या सोबतीला गणेश पाटील, माऊलगावचा एक धडाकेबाज बॅटर लेफ्टी गणेश पाटील, त्या सोबतीला राकेश पाऊल, जोगेश्वरीचा अजून एक धडाकेबाज खेळाडू राकेश. खूप चांगलं क्रिकेट खेळले दोघं पण. गणेश पाटील गावासाठी देखील, माऊल गावासाठी देखील एक गाव अकरा खूप चांगलं क्रिकेट खेळतात. राकेश देखील ओवरऑल क्रिकेट खूप चांगलं खेळतात. बट अंडरआर्म क्रिकेट खेळणं प्रत्येकाचा एक टास्क आहे. अंडरआर्म क्रिकेट खूप डिफिकल्ट आहे, लगेच तुम्हाला हा खेळ खेळता येत नाहीये. 39 टार्गेट आहे. हे सर्व आमचे विश्वास तुपियांनी देखील आम्हाला सहकार्य केलं गेलं. एक हात मदतीचा, माणसातील माणुसकी जपण्याचा त्यांचा टॅगलाईन आहे. श्री साई स्पोर्ट्स चॅम्पियनशिप SSS लाईव्ह या चॅनलवर आपण पाहतोय. विश्वास तुपे यांच्या माध्यमातून देखील शुभेच्छा आल्यात. समाजसेवक म्हणून देखील कार्यरत आहेत. थँक्यू सो मच. आज आपलं पण सहकार्य केलं. त्यानंतर योगेश पेंडणेकर, अजित पिसाळ साहेब, बाबूशेठ पवार, मोहनभाई चिरात, संदीप अप्पा राऊत आणि नवनिर्वाचित खासदार संजय दिनाभाई पाटील, त्यानंतर सुनील भाऊ राऊत. आज सर्व आमचे ऑफिशियल स्पॉन्सर या परिसरातील दमदार आमदार सुनील भाऊ राऊत यांचा देखील तेवढाच मोलाचा वाटा राहिला आहे. मोहनभाई चिरात यांचा देखील, मनसे शाखाध्यक्ष समाजसेवक संदीप राऊत साहेब, आमदार विक्रोळ विधानसभा सुनील भाऊ राऊत. 39 रनचं टार्गेट आहे. 39 रन्स टू विन इन 30 बॉल्स. 30 बॉल मध्ये 39 रन करायचे आहेत. दुसऱ्या डावाला सुरुवात होती आहे. बॉलर आपण पाहिलं तर साहिल पाटीलच्या हातामध्ये बॉल दिलाय. एक चांगले बॉलर आहे. स्ट्रायकिंगला बॅटर गणेश पाटील. 30 मध्ये 39 करायचे आहेत. पहिलाच बॉल एक चांगला ड्राईव्ह केला गेला तिकडे हलक्या हाताने. चांगली फिल्डिंग स्किड झाले जरूर, बट बॉल आता निसू दिला नाहीये. वेल स्टॉप. यश जाधव तिकडे होते आणि यश जाधवने चांगली फिल्डिंग केली. वेल स्टॉप यश. या बॉलवर देखील बॉलला फिरवला साहिल ने. एक चांगला अँगल याच्या अगोदरचा बॉल आतमध्ये आणला. बॉल हा बॉल बाहेर काढला. स्लो स्पिन. साहिल पाटील एक चांगले बॉलर आहेत आणि दोन्ही दिशेला बॉल कट करतात. गणेश पाटीलला मात्र थांबवलं. गुड बॉलिंग.
या बॉलवर देखील पुन्हा एकदा बॉलला वळवलं गेलं. अफलातून बॉलिंग साहिल पाटील. मॅच आम्ही पण सोडणार नाहीये. लेग बाय विचर मध्ये रन मिळेल, भले बॅटिंग झाली नाही बट बॉलरला एफर्ट द्यावे लागतील. त्यावेळी इंडिया टीम का जिंकली तर बॉलिंग अटॅक आपला तगडा होता. बुमराने ऍज अ बॉलर म्हणून सिरीज घेतली, मोठी गोष्ट आहे. टी ट्वेंटी वर्ल्ड कपला ऍज अ बॉलर म्हणून तुम्ही प्लेअर ऑफ द सिरीज घेताय आणि त्यामुळे बॉलर तुमच्याकडे एका दुसरा बॅट्समन कमी असला तरी चालेल बट तुमच्याकडे चार बॉलर प्युअर पाहिजेत अंडर आर्म क्रिकेट तुम्ही खेळत असताना. दोन रन, तीन रन झाली धावफलकावरती. तीन बॉल तीन रन, 27 बॉल मध्ये 36 करायचे आहेत. मॅच फिरेल का? स्ट्रायकरला बॅटर राकेश इकडूनही मॅच फिरेल का? पहिल्या दोन ओव्हर मध्ये खेळ खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता ओव्हर द विकेट टाकत असताना बॉलर साहिल या बॉलवर देखील बॉलला फिरवला गेला. अफलातून बॉलिंग साहिल पाटील. काय स्पेल टाकलाय साहिलने, साहिलने बॅटरला जागेवरती फिरवलंय. हे टॅलेंट आहे. हा बॉल देखील खूपच बाहेर आणि त्यात लेग ब्रेक त्यामुळे अजून बाहेर गेला. दोन रन मिळतील तिकडे. व्हाईट प्लस वन. पाच रन. या बॉलवर देखील उडवलाय गणेशच्या बॅट मधून. आपण पाहिलं तर हा फटका थोडा फसलाय आणि बॉल जाईल आपण पाहिलं तर 6 रनसाठी. एका पाटीलने दुसऱ्या पाटीलला बाहेर धाडलं गेलं. फटका थोडा फसला होता. गणेश पण थोडे बॉलवर बघत होते. बॅट थोडी क्रॉस फिरली आणि 6 रन. पहिल्या 3-4 बॉलने मात्र साहिलने थोडं फिरवलं होतं बट गणेशने आता रीड केलं. गणेश सिंगल डबल कमी खेळतात बट गणेशकडे मोठमोठे स्ट्रोक चांगले आहेत. 5 बॉल 11 झालेत. सिंहगड स्पोर्ट्सचा देखील आपण मागे लोगो पाहतो. आज आम्हाला ज्यांनी कॅप प्रोव्हाइड केल्यात खूप चांगल्या कॅप, खूप चांगली क्वालिटी, सकाळी ते पण आमच्यासोबत दाखल झाले होते. या बॉलवर देखील वेगळ्या अंदाजामध्ये बॉल मागे निघून जाईल आणि तिकडे 2 रन. व्हाईट प्लस 2. 3 रनने मात्र धावफलक फोडली जाईल आणि मॅच कुठेतरी आता मात्र सुरुवात झाली. पुन्हा एकदा घाटकोबर बॅकर घाटकोबर. पहिल्या स्पर्शी सुनील बागवे. आता बॉल टू बॉलची मॅच आली आहे आणि एका सिक्सने पूर्णपणे मॅच फिरवली. गणेशला पण माहिती आहे की मॅच हलक्यात घेऊन चालणार नाहीये. कुठेतरी आपल्याला वेगळ्याच अंदाजामध्ये बॅटिंग करणं गरजेचं आहे. जर विकेट गेली तर थोडं प्रेशर आपल्या टीमवर पण येईल. बॉलर साहिल, स्ट्रायकरला बॅटर गणेश. श्री साई चॅम्पियनशिप दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी 6वं वर्ष. एकात मदतीचा. या बॉलवर देखील एक चांगला फटका पाहायला मिळतो. गॅप मध्ये बॉल ट्रॅव्हल होईल बट हार्ड लक. गणेश येताना फक्त घरातून बॅट घेऊन आलाय, लक कुठेतरी घरी राहिलंय. लक पण तुमचं मॅटर करत. नो बॉल आहे. आता क्रिकेटमध्ये तुमचं लक पण तेवढंच पाहिजे. थर्ड अंपायर आपण नक्कीच घेतलाय, चेक करू. दो बॉल साठी मात्र इकडे रिव्ह्यू आहे.
ऑन फील्ड अंपायर डिसिजन काय नो बॉल तर मग नो बॉल असणार आहे आता जे रन किती अंपायर रन गणेश 3 रन नो पकडून 4 ओके पहिल्या ओव्हरचा खेळ अजूनही संपलेला नाही बट या ओव्हर मध्ये श्री किल 18 रन आलेत एक्स्ट्रा आले या बॉल वरती पण लेग ब्रेक फिरवला होता आणि तिकडे पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा रन प्लस 1 नो बॉल आणि ही मॅच कुठेतरी आता मात्र पहिल्याच ओव्हर मध्ये टीम या बॉलवर देखील चांगल्या प्रकारे बॉल वळवला गेला आणि डॉट बॉल पहिली ओव्हर संपली आणि पहिल्याच ओव्हर मध्ये आपण पाहिलं तर 20 रन बरं सर एक्स्ट्रा पण आले काय म्हणाला आणि कुठेतरी मॅच अगदी फिरताना पाहायला मिळाली 39 धावांचा पाठलाग करत असताना तुमच्याकडे जो बॅलन्स आहे तो तितकासा मोठा नव्हता तुमच्या गोलंदाजांना बळ देणारा नव्हता आणि हे या सर्व स्थितीमध्ये 18 धावांचा षटक येणं म्हणजे चिंतेची बाब आहे खास करून 9 वरती जर कंट्रोल असतं सुरुवातीचे साहिलचे 2-3 षटक जर आपण पाहिले तर असं वाटलं तर ही मॅच चांगली रंगेल परंतु त्यानंतर जो काही प्रकार घडला जवळजवळ 9-10 षटक हाताळले गेलेत कदाचित या षटकामध्ये आणि जर का असं झालंय तर मात्र येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये 18 नव्हे आता 24 चेंडू मला वाटतं शिल्लक असतील आणि त्याच्यामध्ये हे आव्हान तितकंसं मोठं नाही आहे पहिला चेंडू लेक्स्टमच्या बाहेर निघून चालला आणि तिथे पंचमात्र वळतने सांगतात 1+2 टोटल 3 3 दाबा केसर सोनार नवीन गोलंदाज गोलंदाज मार्क करते होता तर सागर या मॅच मध्ये तितकस दम राहिलेलं दिसत नाही आहे कम बॅक करायचं असेल तर 2-3 गुच्छामध्ये विकेट आणावे लागतील आणि त्यानंतर एखादं मेडन षटक आणि डॉट बॉल्स हाताळावे लागणार आहेत लगेच कुठेतरी बॅटिंग टीम मात्र मॅच मध्ये आली या बॉलवर देखील केसर सोनारने चांगला पिचिंग पाहिली गेली बट तिकडे डॉट बॉल साहिल पाटील ने 4-5 रनची ओव्हर जर आली असती पहिली ओव्हर तर कुठेतरी मॅच रंगली असती म्हणजे बनली असती मॅच बट त्यानंतर एक्स्ट्रा आले 6 आले राकेश बॉल बॅटर या बॉलवर उडवला राकेश रडारमध्ये बॉल आलाय आर फॉर राकेश आणि आर फॉर रन इट्स अ 6 6 मात्र हा बॉल जाईल 6 रन साठी राकेश पॉलने प्रॉपर टायमिंग केलं ओरम क्रिकेट खेळाडू चांगलं ओरम क्रिकेट पण खेळलेत आणि स्टँड लेव्हर जागेवरून परफेक्ट अगदी प्रॉपर टायमिंग केलं बॅट पण रंगीबिरंगी घेऊन आलेत इकडे पण नो बॉल अगदी पंचांनी दंडित केला यानंतर नेक्स्ट मॅच विकी पॅकर ठाणे आपण तयार राहायचंय टॉस साठी यायचं विकी पॅकर ठाणे आणि जी टीम जिंकेल ती विकी पॅकर ठाणे समोर खेळेल त्यानंतर त्यातून जी जिंकेल ती जय भवानी रॉयल चेंबूर या टीम सोबत खेळेल आणि त्यातून जो जिंकेल तो उद्या फायनल साठी येईल इकडे पण जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला बट तिकडे पुन्हा एकदा फटका फसला थोडा एक रन मिळेल बट औपचारिक तर मला असं वाटतं फक्त शिल्लक आहे जवळपास या मॅचवर नाव कोरलं गेलं टीम क्रिश इलेव्हन ला मात्र कुठेतरी बॅकफूटला जावं लागलं
स्वर्गीय सुनील गणपत बागवे अर्थातच घाटकोपर पॅकर घाटकोपर या बॉलवर उडवला विनिंग स्ट्रोक पाहायला मिळतो राकेश पॉलच्या बॅट मधून आणि ही मॅच आपण पाहिलं तर कैलासवाजी सुनील गणपत बागवे घाटकोपर घाटकोपर या टीमने मात्र नावावर केली. वेल प्लेड वेल बोल्ड सर्व बॉलर्सनी चांगली बॉलिंग केली आणि बॅटरने राकेश आणि गणेशने दोघांनी फ्री माइंड बॅटिंग केली. कैलासवाजी सुनील बागवे घाटकोपर बॅकर या टीमने 10 विकेटने मॅच जिंकली. ओव्हरऑल खूप चांगला एफर्ट्स केला. हे सर्व मॅच समोरी आपण पाहतो आजच्या दिवसाची पाचवी मॅच 38 वरती 7 विकेट गेले. खूप चांगली बॉलिंग केली होती अखिलेश त्यानंतर मंथन सागर निवातेचा देखील चांगला स्पेल राहिला 2 ओव्हर 14 रन 1 विकेट. अखिलेश यादवची पण देखील चांगली ओव्हर पाहायला मिळाली 1 ओव्हर 2 रन 2 विकेट अफलातून बॉलिंग. त्यानंतर मंथन 1 ओव्हर 10 रन 1 विकेट आणि रितेश राव 1 ओव्हर 7 रन. आणि या मॅच मध्ये प्लेअर ऑफ द मॅच चा पुरस्कार चांगली बॉलिंग केली इकॉनॉमी बॉलिंग केली 2 ओव्हर मध्ये 14 रन आणि 1 विकेट मिळवले सागर सागर निवातेला मात्र दिला जाईल प्लेअर ऑफ द मॅच चा पुरस्कार. परीक्षित सावंत यांना विनंती करेल की आपण